हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज अभी बज रही है रात के 8 और हम आपको कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं। मैं भी जा रही हूं और साथ में अमित शर्मा भी जा रहे हैं, छोटे अमित शर्मा भी जा रहे हैं। मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अब नेक्स्ट ब्लॉगर हमारा रेडी हो गया है, ये अब यही वीडियोस बनाया करेगा अब मेरे बाद में, है ना। यू वुड लाइक मेकिंग वीडियोस अहन? या Look, I'm doing this to my hands. Oh, that's so cute. That's so nice. तो आज हम आपको कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं। अभी आपने दिल्ली का चांदनी चौक तो देखा है ना, आपने दुबई का चांदनी चौक देखा है। अब आप कहोगे कि दुबई का चांदनी चौक क्या है। आज मैं आपको चकाचौंध दिखाने वाली हूँ दुबई के मीना बाजार की, जो चांदनी चौक से बिल्कुल कम नहीं है। तो आज मैंने स्पेशल टाइम निकाला, मैं कह नहीं यार बड़े टाइम से, मेरे घर से मतलब 5-7 मिनट की दूरी पे, और मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो आज हम चलते हैं वहां पे, मीना बाजार दुबई की रौनक आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा दिल्ली के चांदनी चौक में आप घूम रहे हो। तो चलिए चलते हैं साथ में, लेट्स गो। कौन कौन जा रहे हैं साथ में? आहान शर्मा, अमित शर्मा बड़े वाले और हमारे चलो चलते हैं। सारी दुकानें आपको नजर आ रही हैं, ये सारी दुकानें करीबन कोई 15 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी दुकानें मिली हुई हैं। और ये पुराना दुबई भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ जो आपको सुपर मार्केट से दुकानें मिलेंगी, वो सारी मतलब ऐसा लगेगा आपको कि हमारे शहर की छोटी छोटी दुकानें हैं, इस तरह की फील आती है यहाँ की। तो पहुँच तो मैं गई हूँ, अभी गाड़ी पार्किंग का मसला यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढना तो बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे मिलना तो भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे पार्किंग के चार्ज भी कंपेयर टू दुबई के अदर पार्ट्स ना महंगे हैं, मेरे ख्याल से 4 दिरहम है 1 घंटे के। और ये सारी पार्किंग अभी साइड्स में जो है वो फुल है। तो लेकिन अभी देखो आप, यहाँ पे ऐसा लग रहा है दिन चढ़ा हुआ है। मैं आपको आसपास का एरिया दिखाती हूँ। दिखाने से पहले आपको बता दूँ कि मीना बाज़ार किसके लिए फेमस है। मीना बाज़ार भी फेमस है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, कपड़ों के लिए, परफ्यूम्स के लिए, खजूरों के लिए और चॉकलेट्स के लिए। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो चलिए आपको एक एक करके दर्शन करवाना शुरू करते हैं सड़कों के। सबसे पहले तो शुरुआत हम कपड़ों से ही कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े तो भैया हर औरत को चाहिए ही होते हैं। और यहाँ पे किस तरह की कलेक्शन आपको मिल जाती है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती चलती हूँ। साड़ियाँ यहाँ पे मिल जाते हैं, सूट यहाँ पे मिल जाते हैं। हाय, हाउ आर यू सर? थोड़ा सा दिखा लें आपकी दुकान को भी। हाय, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। तो ये इंडिया के सूट्स हैं, पाकिस्तान के हैं? इंडिया पाकिस्तान दोनों मिक्स हैं। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे आपको इंडियन, पाकिस्तानी सब तरह के हैवी, लाइट सूट सब तरह के मिल जाते हैं। और मोस्टली दुकानों में आपको टेलर भी साथ में मिलते हैं, जो फिटिंग भी कर देते हैं, सूट स्टिच भी कर देते हैं। और देखिए कितनी वैरायटी हर दुकान में आपको मिलेगी यहाँ पे। आपको लगता है चांदनी चौक से कम है दुबई हमारा? मतलब ही नहीं है। सो अभी आपका सर नाम क्या है? अरुण। अरुण, थैंक यू अरुण। सो अरुण हमें दिखा रहे हैं कुछ एक पीसेज यहाँ पे। ये कॉटन है, ये पाकिस्तानी स्टाइल है। कुछ इंडियन स्टाइल भी दिखाएं जरा थोड़ा सा। आय हाय, ये निकला ना मेरा पसंदीदा कलर। आजकल ये ना लाइट लाइट से कलर तो मेरी जान ले रहे हैं, कसम से उठा के भाग जाना है मैंने इस पीस को। तो बड़ा प्यारा पीस है यार, कपड़ा भी बड़ा मुलायम सा अच्छा लग रहा है। क्या कपड़े को बोलते हैं इसको? अच्छा, शिफॉन जॉर्जेट। अरे वाह जी वाह, इसका तो नीचे का ये, इसको क्या बोलते हैं? पैंट्स, प्लाजो पैंट्स बोल लो, है ना। इसका सूट बड़ा प्यारा है यार, और ये इसके दुपट्टे भी थोड़ा, अरे वाह बहुत प्यारा सूट है। और अगर किसी ने लेना हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो कितने से रेंज शुरू होती है अंदाजन? अंदाजन तो मैम हमारे पास 100 दिरहम से स्टार्ट है रेडीमेड के सूट। अच्छा, ये कितने का है? ये आपको 180 में आ जाएगा। 180 में? और ममता सचदेवा के लिए उसका नहीं आप कर देंगे? हाँ ठीक है, मेरे लिए फ्री में पैक कर दो प्लीज। देखो कितना प्यारा काम हुआ है यार सूट पे, रियली में बहुत अच्छा सूट है। ये जी सोनी जी दुकान है। वाई एम आई स्पीकिंग इन पंजाबी? बिकॉज दीज आर ऑल पंजाबी पीपल फ्रॉम जलंधर। सत श्री अकाल जी। एक कितनी पुरानी दुकान है जी थोड़ी? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? नहीं जी, बहुत सोहनी कलेक्शन है ना दी, सूट बहुत सोहने है। मैं तो क्या 2-3 दे दो, कहते नहीं देने जाओ तो 5 साल नहीं पूरा। इस दुकान पे मैंने देखा कुछ इस तरह का ड्रेस मटेरियल, देखो कितनी प्यारी बनी हुई है, देखो आप। लेकिन इसको स्टिच करना पड़ता है। तो मैंने पूछा भाई स्टिचिंग वाले कितने पैसे लेते हैं? दुबई में कोई लोग पूछेंगे मुझे स्टिचिंग के कितने पैसे लगते हैं, तो स्टिचिंग के यहाँ पे 60 दिरहम से शुरू होता है। नॉर्मल सिंपल जो सूट सिलवाते हैं 60 ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। लाइनिंग अलग से होती है, या कोई डिजाइनिंग है गले की तो अलग से होती है, और उसके ऊपर ही रेंज आती है 80-100, फिर ऐसे करके है ना, इतना ही रहता है। चलो जी, थैंक यू सो मच। कार्ड मैंने आपका ले लिया, आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। चलो जी अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाकी की मार्केट। थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। सो अभी ये नेक्स्ट दुकान के ऊपर मुझे नज़र आया यहाँ पे पड़ा हुआ लहंगा, और अब हम सारी दुकानों के अंदर तो नहीं जाएंगे, इनकी भी आप देख लो वैरायटी पूरी की पूरी भरी हुई है दुकान की, पूरा का पूरा यू नो रेडीमेड सूट्स हैं और अनस्टिच भी रहते हैं, सब तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो भाई एनको की दुकान है, आगे थोड़ा चलते हैं। आप इनको कौन नहीं जानता भाई, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ का, एक टाइम पे ये अभी भी है मेरे ख्याल से, और इनके मैंने सुना है कि मटेरियल बहुत अच्छे रहते हैं। ये साड़ियाँ देखो कितनी प्यारी पड़ी हुई हैं यहाँ स्टैचूज़ के ऊपर। ये देखो साथ साथ में ही आपको इस तरह की कम से कम मैं कह रही हूँ यहाँ पे 100 से 200 दुकानें तो मैंने ही देख ली हैं, और एक से एक वैरायटी है। आप बिल्कुल दिल्ली में जो आपको मिलता है उससे आप बीट कर सकते हो, और प्राइसेस भी हाँ डिफरेंस है पर उतना नहीं है, फिर भी आप ले सकते हो यहाँ के हिसाब से। आप यहाँ रहते हो तो ऑफकोर्स खर्चा भी यहाँ के हिसाब से ही होगा। सो अभी सड़क के उस तरफ तो हम गए नहीं हैं, तो मैंने आपको अभी सड़क का ये वाला हिस्सा दिखाया है जिस तरफ ये सारे शोरूम्स हैं। ये देखो आप, अभी हम ये वाली दुकानें यहाँ पे कवर कर रहे थे, तो ये सारी आप देखो। साथ साथ में आपको बच्चों के कपड़े की और लेडीज़ टेलरिंग हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। खाने पीने के रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी हैं। वही कसम से ये दुकान तो मुझे देखते देखते इतने साल हो गए हैं, इतनी पुरानी ये दुकान है। यहाँ पे भी बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स आपको देखो अनस्टिच भी नज़र आ जाएंगे और आपको स्टिच भी नज़र आ जाएंगे। इनके पास भी काफ़ी रेंज रहती है, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी। थोड़ी सी इस दुकान को आपको दिखा देती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये सूट का है मटीरियल ये भी, और वो वाला सब ड्रेस। अच्छा, सब ड्रेस वगैरह है। जैसे ये देखिए आप, ये नेट है तो इसको आप मटेरियल की तरह ले सकते हो, इसका कुछ भी बनवा सकते हो, गाउन बनवा सकते हो आप, इसकी साड़ी बनवा सकते हो, ड्रेस मटेरियल। कितने में शुरू होता है भैया ये वाला? ये स्टार्टिंग है 250, 300, स्टार्टिंग 28 ग्राम। अच्छा, 250 to 300 क्या है पर मीटर? ओ इतना महंगा ये, अरे वाह। ओ अच्छा, ये कोरिया का है, ओके ओके। भाई इतना महंगा कपड़ा मैंने नहीं देखा, क्योंकि शायद मैं यहाँ से उतने कपड़े नहीं खरीदती हूँ। स्टिच खरीदती हूँ मैं, अनस्टिच नहीं खरीदती। पर इन्होंने मुझे ये दिखाया, एक मिनट इसको थोड़ा खोल के दिखाएंगे भाईजान। ये आप कपड़ा देखो यार, ये 250 से 300 दरम, मतलब कितना बन गया इंडियन रुपीज में, आई डोंट नो। कोरिया का कपड़ा है ये, आप देखो। ये मीटर का रेट बता रही हूँ आपको मैं, मतलब 5 से 6 हजार रूपये हो गया ना, 5 से 6 हजार रूपये मीटर कपड़ा है ये वाला। कितना प्यारा कपड़ा देखो, का गाउन बनाओ तो मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाएगी, है ना। और इस तरह काफी तरह की रेंज आपके सामने यहाँ पे लगी हुई है। थैंक यू भैया। ये देखो यहाँ पे ये 50 दरम्स में सूट शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये 50 दरम में दुपट्टे के साथ में है, और यहाँ पे कितने सारे कलर जो हैं वो पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखो आप सारा, ये 50 दरम्स वाला है। तो इन्होंने कहा है दुकान में हमारे 50 दरम से शुरू हो जाता है कपड़ा और ऑनवर्ड्स है। मेन सिलेक्शन भी है उधर, मेन का भी है सारा, अनस्टिच मटेरियल पड़ा हुआ है सारा। यहाँ पे कपड़ा लेके आप सिलवा सकते हो। लोग वैसे आजकल भी कपड़े लेके सिलवाते हैं। चलो, नाइस टू मीट यू। ट्रैवल विद ममता फॉलो कर लेना। थैंक यू। सो ये एक और इंटरेस्टिंग सी दुकान मुझे नजर आई है जिसपे बहुत प्यारे ड्रेसेस टंगे हुए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ अंदर चल के। आपको कलेक्शन थोड़ी इनकी हटके नजर आ रही होगी, थोड़ी और एलिगेंट है, एंड आई एम श्योर थोड़ा सा प्राइसिंग भी हल्का सा ऊपर होगा, पर क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको। इसी के साथ हमें प्यारे प्यारे से यू नो हैंडबैग्स भी नजर आ गए जो 40 दिरहम से शुरू हो रहे हैं। और आपको क्या चाहिए यार, 800 रुपए में तो इंडिया में भी ढंग का बैग नहीं मिलता, और आपको यहाँ 800 रुपए में देखो कितनी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं। उसके अंदर जाके भी देखते हैं और क्या है। हैंडबैग्स, वाओ, हाय, बहुत सारे प्यारे प्यारे हैंडबैग्स हैं। ऑफकोर्स लॉट ऑफ कलेक्शन इन दिस शॉप। एंड इसके अलावा कपड़े, कपड़े ऊपर हैं क्या? ओके ओके, ठीक है। और घड़ियाँ, ये ओके, दिस इज़ ऑल लाइक नॉन ब्रांडेड टाइप्स। ओके, घड़ियाँ भी इनकी प्यारी हैं भाई। सो ये वही दुकान है जिसमें आपको मैंने इतने प्यारे प्यारे पर्स, घड़ियाँ, कितना सब कुछ माय गॉड लगा हुआ यहाँ पे दिखाया है मैंने। और इनकी जो कुर्तियों की रेंज है यहाँ पे, इतनी प्यारी सी कुर्तियाँ हैं वो 30 दिरहम से शुरू हो जाती हैं। ऑफकोर्स आपको 30 दिरहम्स में तो नॉर्मल ही मिलेगा स्टफ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। 30 दिरहम्स में तो आई थिंक इट्स वेरी चीप डील। तो मीना बाजार की रौनक तो आपको लाइटों से नजर आ ही रही होगी। अभी हम उस शोरूम से निकल के आए हैं, अभी उसके पास में एक दुकान है पीछे, ये है परफ्यूम्स की शॉप, और इसके साथ में एक शॉप थी गोल्ड की, जहां उन्होंने कहा मुझे कि ये लोग पुराना गोल्ड जो है वो खरीदते हैं। मैंने इंडिया में ये पढ़ा था, यहाँ पहली बार पढ़ा है। इस स्टोर के ऊपर लिखा हुआ है कि वी बाय ओल्ड गोल्ड, तो उसमें मैंने पूछा क्या हिसाब होता है, तो कह रहे कुछ 7% पता नहीं कटता है, 24 कैरेट होता है तो उसमें 4.5% कटता है, और बाकी जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करता है, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, बट इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट हियर, हर चीज यहाँ मॉनिटर्ड है, तो कोई आपको चीट नहीं कर सकता। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ, थैंक यू, अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ इसके साथ वाली शॉप में जो सेल करते हैं परफ्यूम्स, तो आज हम थोड़ी सी नॉलेज इनसे लेंगे परफ्यूम्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, आपका नाम क्या है? हार्दिक। हार्दिक, आप कहाँ से हो? मैं गुजरात से। अरे वाह जी वाह, आप तो अपने ही हो। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि परफ्यूम्स यूए के जो हैं उनमें क्या खासियत रहती है? यहाँ के जो इतर बेस्ड परफ्यूम रहता है, ऑयल बेस्ड, जैसे कि ये है जी ऊद मूड़ करके, ठीक है, ये आपको 24 to 48 आवर्स लास्टिंग रहता है इसका। ओके। और ये कपड़ों से अपने वेदर जो एशिया वेदर है उसमें जल्दी से निकलता नहीं है। ओके। और स्टे इसका ज्यादा रहता है। और ये कितने की बॉटल अगर ऑडियंस पूछे तो? आप लेने जाओ 45 की आएगी। अच्छा। जो अपने क्लाइंट रहेंगे उसको 45 में मिलेगी, बाकी ऐसे जनरली मार्केट में ये 75-70 ऐसे सेलिंग है। वाह। हमारा यहाँ पे होलसेल रिटेल दोनों का है। अच्छा, तो इनकी दुकान पे फायदा क्या है, इनके पास होलसेल एंड रिटेल दोनों प्राइसेस रहते हैं। मोस्टली जो शॉप्स यहाँ पे मीना बाजार में आपको डिसेंट प्राइसिंग ही वाली मिलती है। इन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया, मैं डेफिनेटली। हाँ जी, यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे जेन्युइन शॉप भी कम मिलेगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा भी चीट होता है लोगों को, तो कॉपी ना वो सब मिलता है सब। ओके। आपकी दुकान पे जो सामान है ट्रस्ट वाला है, जेन्युइन है, इंडिया तक की गारंटी है। और कुछ लोग बोलते हैं जैसे ये टेस्टर्स होते हैं, तो टेस्टर्स का क्या हिसाब होता है, थोड़ा टेस्टर्स का भी लोगों को बताइए। ये जैसे डोल्से गबाना का टेस्टर है जी, ये यहाँ पे आपको सेम चीज आती है पैक और टेस्टर। यहाँ पे लेने जाओ आप टेस्टर तो आपको पड़ जाता है 160 का। अच्छा। वही चीज आप पैक में लेते हो तो 200-210, खाली बॉक्स पैकेजिंग फर्क रहता है। और यहाँ पे टेस्टर लिखा रहता है, दोनों चीज जेन्युइन रहती है। ओके। और यही चीज आप इंडिया में लेने जाओ 7,000 to 7,500 तक आता है, मतलब 100-150 दरहम अगर आप इंडिया में लो, और टैक्स भी लगता है यहाँ, टैक्स भी नहीं है, टैक्स भी आपको नहीं लगता है। तो तभी तो लोग भागते हैं यहाँ पे, परफ्यूम्स, कपड़े, इतर यहाँ से लेके जा रहे हैं। चलो और कलेक्शन भी एक्सप्लोर करेंगे आने वाले दिनों में, अभी के लिए इतनी नॉलेज काफी है। तो चलिए गाइस, आज परफ्यूम्स के बारे में भी आपको दिखाया। अभी एक और चीज है, थैंक यू सो मच, एंड मैं आपकी दुकान में जल्दी आ रही हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, कॉल मी। ओके। सो ये वीडियो का कवर करेंगे अच्छे से, आपको परफ्यूम्स के बारे में बताएंगे आने वाले दिनों में। अभी ये भाई साहब हमें लेके जाएंगे एक दुकान जो इंडिया से कोई भी जब आता है, यहाँ से अपने मुल्क से आता है, तो उनको चाहिए होती है खजूरें, यहाँ से कौन सी अच्छी क्वालिटी की होती है, और क्या है दुकान में, डेट्स चॉकलेट्स है। अच्छा, चॉकलेट्स है, ठीक है। तो इनकी एक दुकान है, हम अब उसको एक्सप्लोर करने चलते हैं साथ में, और उसमें आपको वैरायटी दिखाते हैं कि यहाँ पे मिलता क्या क्या है। तो ये चलते चलते आप देखो यहाँ पे हर चीज की कितनी वैरायटी है। मैंने अभी कल सोचा है आपको एक और गोल्ड शॉप दिखाने के लिए, लेट्स सी वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। तो अब हम मार्केट से थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये डमास है ना, इसके देखो साइड में ये शॉप्स हैं, और यहाँ पे इस तरह से कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी फ़ोन की एक्सेसरीज हैं, बैग्स हैं, ये सारा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये गिफ्ट जोन करके लिखा हुआ है, तो इसके अंदर चलते हैं हम। और सूट्स भी देखो आप, वैरायटी साथ साथ में चलते हुए, साड़ीज़ हैं, लहंगाज हैं, सूट्स हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सर। ये देखो 40 दिरहम में कपड़े लगे हुए हैं, कहाँ मिलेंगे आपको? वेरी नाइस, ऑफ कोर्स सर, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। सो लहंगास हैं, सूट्स हैं, ये देखो टेलर शॉप है, किसी ने अपना सूट सिलवाना हो। एंड ये है वो दुकान सलीम आंचल फूड स्टफ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी यहाँ पे पूरी की पूरी आपको वैरायटी नज़र आएगी। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? सो ये देखो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे नट्स की वैरायटी है आपको। अगर पिस्ता की बात करो तो आपको पिस्ते में भी यहाँ प्लेन पिस्ता, नमक वाला पिस्ता, उसके बाद लेमन वाला पिस्ता, मतलब अलग अलग तरह के फ्लेवर्स मिल जाते हैं। वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स आई थिंक अमेरिका के भी आते हैं और इराक ईरान वगैरह से भी आते हैं। तो पहले आपसे ही रब्ता कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है सर आपका? सलीम अब्दुल शेख। क्या खासियत है, यहाँ से लोग क्यों खरीद के जाते हैं नट्स? यहाँ से ज्यादा तुर्की पिस्ता चलता है, ठीक है, फिर इसका मोजाम्बिक का काजू है। एक तो टेस्ट तो कराओ, इतने कंजूस क्यों बन रहे हो आप? नहीं, मीठा नहीं खाऊंगी, डाइट पे हूँ। मीठे का पीस ले जाऊंगी, जो चीज मेरे पास है। और खजूर भी है। अच्छा अच्छा, आप दिखाओ मुझे। तो ये कौन सा आप बोल रहे हो? काजू, मोजाम्बिक का। मोजाम्बिक, अच्छा जी। ये तुर्की का पिस्ता है। अच्छा, कम सॉल्ट डाला। अच्छा, तो कम सॉल्ट पिसता है। ये ताशकंद का अखा वाला भी है, ताशकंद का अखा निकाला अखरोट भी है। अच्छा। ये बहुत मीठा दाना होता है, ये लीजिए एक पीस पे छोटा सा। थैंक यू। और ये सारी डेट्स हैं, ये अलग अलग है, इलायची फ्लेवर का डेट्स है। वाह, लुक एट दिस। इलायची का है, वाह, कम शुगर का है, फिर केसर वाला है। अरे वाह। और इनका रेट वैसे अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है? बिकॉज एक रेट मत बताइएगा, नहीं तो फिर क्लाइंट बोलता है नहीं इन्होंने वीडियो में कीजिए पूरा सब। अच्छा जी। क्योंकि दूसरा जो खुदरी में आता है या मैं मजदूर में खुद लेता हूं, मजदूर डेट। अच्छा, खुद बनाते हैं जी, इसके अंदर भरते हैं फिलिंग। जी हाँ। और जो प्लेन वाली शुरू कितने से होती है? 35 से है। डेट सगाई है। अच्छा। मगरूम है, सफावी है, हम्बर है, मजदूल है, अजवा है, ऐसा हर चीज का जो नाम का है सब रखा हूँ। और सीडलेट डेट्स भी। और ये आती कहाँ से है? सऊदी और फिलस्तीन, जोड़ान। वाह, ऑसम यार। देखो आप कितनी प्यारी प्यारी डेट्स है। और ये सारे चॉकलेट्स हैं, कुछ एक डेट्स के ऊपर आई थिंक कुछ चढ़ा हुआ होता है। इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आप, ये सारी चीजें क्या हैं? ये तुर्की का पूरा है। ओके, तो ये इसकी क्या खासियत है? चॉकलेट्स है सारी या कुछ और भी है? कोकोनट्स भी आएगा। अच्छा। आपको मिल्क चाहिए तो मिल्क आएगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आएगा, हेजलनट फ्लेवर आएगा, ये अलग है। फिर इसमें बादाम का आपका आएगा। अच्छा। पूरे बादाम का व्हाइट चॉकलेट में आएगा। वाह। फिर नट्स में आएगा, अलग अलग फ्लेवर में। कॉफी फ्लेवर चाहिए तो कॉफी में आएगा। वाह। और इसका क्या रेट अप्रोक्सीमेटली शुरू रहता है? वैसे शुरुआत हमको 15 से लेकर 100 ग्राम तक है। वाह। ये 30 ग्राम 1 kg आएगा। ओके ओके ओके। अब मैं नजदीक से दिखा देती हूँ आपको कि पैकिंग देखो यार आप कितनी प्यारी है। तो इसको किलोज के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से आप पैकेट्स में पैक करवा के लेके जा सकते हो गिफ्टिंग के लिए। ये पूरा 40 ग्राम 1 kg। ये रियल चॉकलेट डॉलर का भी आएगा सर। ओ वाह, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। अरे वाह, स्ट्रॉबेरी है, सो गुड। अच्छा, इसमें व्हाइट चॉकलेट है क्या इसके अंदर? रियल डार्क में है। अच्छा, डार्क चॉकलेट में। अरे कितनी प्यारी पैकिंग है यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये मिल्क चॉकलेट्स में भी आएगा। ओके, व्हाइट में भी चॉकलेट, मिल्क में भी। वाह, डॉलर का है प्यारा। अरे वाह, अरे कितनी प्यारी प्यारी पैकिंग्स है। देखो, किसी को दो तो पता भी चलेगा कि दुबई से लेकर आए हो। राइट। स्ट्रॉबेरी का आएगा, ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज का आएगा, हर तरह के फ्लेवर्स हैं। वाह। ऑरेंज तो हम खट्टी गोलियां खाते थे ना बस में चढ़ते हुए, वैसा लग रहा है। थैंक यू। और ये आता है पिस्ते का सिगरेट चॉकलेट, मेरा खुद के नाम से पैकिंग करता हूं मैं। अच्छा। सलीम आंचल फूड स्टाफ ट्रेडिंग LLC। अच्छा, आपके अपने भी पैकिंग्स हैं? मेरा खुद का नाम है। क्या बात है, इस तरह से भी पैकिंग्स मिलती हैं। ये छोटी पैकिंग्स हैं। और ये देखो आप, तरह तरह की खजूर, देखो बड़े बड़े बॉक्सेस भी हैं, छोटे वाले भी हैं। ये देखो, ये लग रहा है जैसे पत्थर हो, स्टोन चॉकलेट। हाँ, किसी के घर में पड़े हो लगेगा पत्थर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पर चॉकलेट्स हैं। ये मैंने खाए हुए हैं एक्चुअली, बहुत टेस्टी होते हैं ये। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी पैकिंग्स है। काफी सारी चीजें टेस्ट की हैं अभी मैंने। इनको बोला मुझे ये टेस्ट कराओ, इसके अंदर क्या क्या है सर? इसमें इलायची है, गुलखन पान मसाला है, केसर का है। अच्छा, अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि वाकई में ही है। एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा, ऐसा लग रहा है पान खा रही हूँ। काफी सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। केसर का भी जरा ये केसर फ्लेवर है, पूरा केसर का है। ये पुना पान मसाला है, पूरा पुना पान मसाला। वाह, अलग अलग चीज सब मिलेगा आपको मेरे पास। ये मैंने खजूरें तो बड़ी खाई हैं यहाँ, मुझे 18 इयर्स हो गए यार इस कंट्री में, मैंने बड़ी खाई है, पर ये वाला फ्लेवर मैंने कभी नहीं खाया था। पूरा मेरे पास ही बंदा खा लेगा। वाह, नहीं, अब आपकी दुकान पे ढेरों लोग आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी ट्राई दिस। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए चलते हैं अब यहाँ से, अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। आइए। तो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं एक ऐसी दुकान जिसपे हमें मिलेगी पाकिस्तानी सूट्स की वैरायटी। सो लेट्स चेक इट आउट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वाह जी वाह, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपकी सारी कलेक्शन मुझे नजर आ रही है। कुछ एक अच्छा सा खोल के दिखाएं, अभी ईद आ रही है वैसे भी। तो ये एक प्यारा सा कलर में खुलवा रही हूँ क्योंकि भाई ईद है, ईद में तो कलरफुल से कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने कहा हॉट पिंक कलर लग रहा है मुझे, इसको खोल के दिखाएं। ये स्टिच करवाना पड़ता है, ये मटेरियल है। आई थिंक इसके अंदर लाइनिंग लगती है, राइट? लाइनिंग लगेगी। हाँ, पर आप देखें इसका काम कितना प्यारा हुआ है, पूरा भरा हुआ है सूट आगे से। अरे वाह। अच्छा, इस पे लगेगा नेक अलग से। अरे वाह वाह, मैंने पहली बार ऐसे देखा कि नेक इस तरह से अलग से आता है। ब्यूटीफुल। ये इसकी स्लीव्स हैं। अच्छा, प्यारी स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी बड़ी अच्छी हैं। ये और इसका फ्रंट बैक है। अच्छा, ये साथ में लेस अलग से है। अरे वाह, ये इसकी लेस है, इसके ऊपर लगेगी जहाँ पे भी आपने लगवानी हो। और इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, ब्यूटीफुल है। और ये कितने का है? अगर वैसे नॉर्मल प्राइस आप जैसे जनरली कोई पूछता है कि कितने का? 250 के करीब। वैसे रेंज सूटों की कितनी शुरू होती है? 100 से स्टार्ट हो जाती है। चले, आई होप कि आपकी दुकान पे लोग आए और हमारे बारे में भी पूछे और आपसे सूट भी खरीद के लेके जाए। सो ये एक प्यारी सी दुकान। हाय, अच्छा आपने कहाँ देख लिया मुझे? ममता सचदेवा, नाइस टू मीट यू। अबू धाबी में बनाते हैं। जी 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 जी, आ जाइए, आपकी दुकान भी देख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? हाय हाय, हाउ आर यू? हमें बुला के लाए हैं अभी, हमारी वीडियो बनाओ दुकान की। तो आपकी दुकान में भी क्या मिलता है? पाकिस्तानी सूट्स हैं, पाकिस्तानी और इंडियन सूट्स हैं। अरे वाह, फोटो शोटो भी लगा रखी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तो जोड़े मुझे। वाव, दैट्स सो नाइस। एक कोई पीस आप खोल के दिखाएंगे मुझे अच्छा सा ईद के लिहाज से? तो ये छोटे छोटे देखो बच्चों के भी इन्होंने टांग रखे हैं। सो अभी मैं आपको पाकिस्तानी कलेक्शन दिखाती, खोल के दिखाएंगे सर आप? पाकिस्तानी हमारे भी है, ठीक है, दिखाएं प्लीज। थैंक यू। वाह, एक एक खोल के दिखाएंगे आप मुझे प्लीज? ओके, सो ये लॉन्ग में है बेसिकली, और ये स्टिच्ड है या अनस्टिच्ड है? स्टिच करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है। ओके ओके, प्यारा कपड़ा है, गोल्डन। वैसे ही लड़कियों को आजकल बड़ा पसंद आता है इस तरह से, न्यूट्रल कलर्स आजकल बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को, बहुत प्यारा है। ये सब ट्राउजर है, दुपट्टा, वेरी नाइस। भाई दुबई में आपको हर तरह का जो ब्रांड है वो नज़र आ जाएगा, नॉन ब्रांडेड, ब्रांडेड ज्वेलरी। कल्याण ज्वेलर्स भी है, देखो दमास भी है यहाँ पे, तनिष्क भी है और मालाबार गोल्ड, सब साथ साथ में कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं। बाकी और दुकानें भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो एक मैंने ये शॉप ढूंढी है जो स्टोन्स बेचते हैं, क्योंकि स्टोन्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि स्टोन्स की रियल मतलब वैल्यू क्या है, क्यों लोग पहनते हैं स्टोन्स। हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? भैया हमें स्टोन्स के बारे में कुछ नहीं पता, अनपढ़ है हम, गवार हैं, हमें थोड़ा एजुकेट करो यार कि स्टोन्स लोग क्यों पहनते हैं एंड लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्योर है। स्टोन्स के लिए आपको जानना है तो स्टोन्स में आपको जेमोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, आम आदमी को ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा। एंड इंटरनल इंक्लूजन से वो सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा तो ओरिजिनल स्टोन्स मिलेगा। परफेक्ट। एंड ये स्टोन्स में इफेक्ट रहेगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिफिक ये कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक रीजंस में भी ये केमिकल कॉम्पोजिशंस के वजह से आपको ये स्टोन्स पहनने के लिए सजेस्ट करते हैं। इवन रूबी, रूबी से आपको शायद मालूम होगा कैंसर ट्रीटमेंट जो रेडिएशन पास करते हैं ना, उसके अंदर रूबी का ओरिजिनल स्टोन से ही आपको रेडिएशन पास होता है, उस वजह से आपको कैंसर का ट्रीटमेंट मिलता है। वाह, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द जेम स्टोन। क्या बात है भैया, आज तो कमाल की बात सीख के जा रही हूँ मैं। सारा तो अभी नहीं पढ़ पाएंगे हम इस वीडियो में, पर आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि ये शॉप है यहाँ पे मीना बाजार में। अगर आपको टाइम मिले तो इनसे मिलने जरूर आइएगा, थोड़ी नजर जरूर मारिएगा और ऑफकोर्स परचेज भी जरूर कीजिएगा। लो भी करीना कपूर फैंस खुश हो जाओ, आपकी करीना कपूर के दो बड़े बड़े पोस्टर दुबई में भाई मीना बाजार में लगा रखे हैं, और पता नहीं कौन कौन सी इंडियन मॉडल्स और हीरोइंस, मतलब यहाँ पे हर जगह जॉय और लुकास की या पता नहीं कहाँ कहाँ की वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इस दुकान में भी मैंने चक्कर मारना है, कल परसों में मैं आऊंगी, आपको वीडियो दिखाऊंगी पूरी बना के। एंड बाकी आप देखो रौनक, अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11, और देखो यहाँ पे कोई लग रहा है कि रात के 11 बजे हैं। तो जहाँ भी सोना बिकता है वहाँ पे चांदी भी बिकती है। तो ये दुकान है जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि दे बाय गोल्ड, तो यहाँ पे ये चांदी के ऑर्नामेंट्स हैं। तो ये चांदी की देखो आप कलेक्शन बहुत अच्छी है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू सर? सो सर चांदी किस लिए अच्छी होती है वैसे, वाई इट्स कंसिडर्ड गुड? ठंडी होती है ताशीर में, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है वो चांदी पहनते हैं। ओके ओके, जेमस्टोन्स वगैरह में। अच्छा अच्छा, ये सलमान खान वाले ब्रेसलेट्स वगैरह हैं। ओके ओके, वेरी नाइस कलेक्शन सर। ओके ओके, गॉट इट। ये रात के टाइम की रौनक साथ साथ में देखते चलो आपको कितना ट्रैफिक जा रहा है। और देखो एक से एक ज्वेलरी स्टोर्स यहाँ पे, बाप रे बाप, ज्वेलरी के स्टोर्स, खाने पीने के। ये रेस्टोरेंट में मैंने अरेबिक खाना खाया एक बार, ये हमस वगैरह बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये शवरमा बनाते हैं, ये हमस बनाते हैं, ये सब कुछ बनाते हैं। तो ये यहाँ पे एक रोड साइड दुकान है जिसपे मैंने खाया है खाना काफी बार। हाय, हाउ आर यू? देखो कितनी प्यारी बनी हुई है, छोटी सी हमारी रोड साइड टाइप है बिल्कुल ही। सो इस स्टोर के सामने ये कल्याण ज्वेलर्स वाली गली के अंदर हम आए हैं। तो यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि वेजिटेरियन खाना है, बहुत अच्छा मिलता है। और मैंने सोचा कि भाई वेजिटेरियन लोग तो मुझे बहुत ही फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ माई सेल्फ। तो आपको दिखाती हूँ कि ये दुकान है जिसका नाम है महाराजा। इस पे मिलता है भाई वेजिटेरियन शुद्ध खाना, गुजराती थाली मिलती है, पंजाबी थाली मिलती है, चाइनीज़ भी मिलता है, पाव भाजी भी है, स्नैक्स वगैरह हैं, कुल्फियाँ शुल्फियाँ हैं। आओ अंदर नजर मारते हैं। हाय हाउ आर यू? अरे वाह जी वाह, गोलगप्पे भी मिलते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। हाउ आर यू सर? सो ये है जी रेस्टोरेंट। हाय सर हाउ आर यू? ये प्यारा बना हुआ है रेस्टोरेंट आपका, छोटा सा है, रोड साइड स्टाइल है, महंगा भी नहीं होगा। आपके ये रेट्स आई एम श्योर बहुत नॉर्मल होंगे। सो अगर आप कभी घूमने आओ दुबई में, इस रेस्टोरेंट में जरूर आना। ये देखो यहाँ पे जो रोज मेन्यू होता है यहाँ पे लिखा होता है, तो यहाँ से भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं, मेन्यू से भी कर सकते हैं। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। थैंक यू सर, सी यू। वैसे तो मैं डाइट पे हूँ बट थैंक्स टू यू, आप मुझे यहाँ लेकर आए हो। मुझे लग गई थोड़ी सी भूख, हम अब खाएंगे यहाँ पे खड़े होके गोलगप्पे, आलू धनिया चाट मसाला नींबू वगैरह डाल के अच्छे से गोलगप्पे, चटपटे चटपटे। तो अब आप कहोगे कि गोलगप्पे खाते खाते मैं बातें क्यों कर रही हूँ, अभी गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। तो तब तक आपको स्टोरी बताती हूँ। अमित शर्मा जी और हार्दिक शर्मा जी मेरे साथ आए थे। आज हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारी गाड़ी 2 बार चलते चलते बंद हो गई है मुझे ड्रॉप करने के बाद में। सो अमित एंड हार्दिक ऑलरेडी घर जा चुके हैं, मैं अकेली यहाँ पे घूम रही हूँ। रात को ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, तो मैं क्या चलते चलते अभी गोलगप्पे भी साथ में खाए जाए। गोलगप्पे खा के मुंह के गोलगप्पा बन गया। ये सूखा गोलगप्पा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, काफी बड़ा यार। सो मीना बाजार में अब वहाँ से निकल के मैं आई हूँ, इसका नाम है बॉन्टॉन। ये है बब अलबेक कैफे रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने। आप यहाँ स्ट्रीट पे ही चलोगे तो आपको नजर आ जाएगा। इसको 1 to 10 भी बोलते हैं। ये तो 1 to 10 से मुझे ज़्यादा लग रही है कि 1 to 20 भी होगी। हाँ 1 to 20 है ये वाली। कई बार बाहर 1 to 10 भी लिखा होता है, इसके बाहर 1 to 20 लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो जितने भी आइटम्स इस स्टोर के अंदर हैं, चाहे सुविनियर्स हैं, मग्स हैं, खाने पीने का सामान है, पानी की बॉटल्स है, जूसेस है, मतलब जो भी घर की ग्रोसरीज से रिलेटेड जो घर का सामान होता है सब चीज़ यहाँ मिलती है। प्लस जो इंडिया से घूमने आते हैं या बाहर वाले मुल्कों से आते हैं उनके लिए बहुत सारा सामान यहाँ पे इन शॉप्स में मिल जाता है। अंदर जाके अभी मैं पूरा आज नहीं दिखाऊंगी आपको, फिर किस दिन दिखाऊंगी। अभी हम क्या करते हैं, अभी बजने वाले रात के 11, घर वाले घर जा चुके हैं, मुझे भी जाना है। तो चलिए आज मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, गाइड किया। बाहर बाहर से दिखा देती हूँ यार, आप बोलो कि दुकान नहीं दिखाई, बाहर बाहर से देख लो, आपको बहुत कुछ मिलता है इन दुकानों में। भाई ये मैजिकल शॉप्स होती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। वीडियो को प्यार देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ढेरों सारे, लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। वो चीज़ मेरी मोटिवेशन है, जब आप वो करते हो ना फिर मेरा दिल करता है कि मैं घर से निकल के आऊँ सुंदर सुंदर बन के और वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, लव यू ऑल।